मुंडा मैं लाहौरी ते ओ कुड़ी चंडीगढ़ दी। ये 23 साला नाजिम अली फरीदी जो हैं तो लाहौर से, लेकिन इनकी लव स्टोरी चंडीगढ़ इंडिया में कहीं फंसी हुई है और अपने प्यार में इन्होंने चंडीगढ़ पर सॉन्ग भी लिख डाला है। आपका नाम क्या है? नाजिम अली फरीदी नाम है मेरा जी। कहाँ से हो? मैं उकाड़ा से। उकाड़ा से तो लाहौर में क्या कर रहे हो? लाहौर में जहाँ पे जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारी एक डिफरेंट लैंग्वेज में गाना गाते हुए सुना, आई थॉट कि वो पंजाबी टाइप कुछ है, तो कौन सी जुबान में गा रहे हो? जी वो सराइकी जुबान में है, तो वो मैंने अभी दो सॉन्ग रिकॉर्ड करवाए हैं, तो वो मेरा फ्रेंड था तो वो कह रहा था कि कौन से सॉन्ग रिकॉर्ड करवाए, तो मैंने वो सुना रहा था उसको। तो हमें भी कुछ सुना दो गुनगुना के सराइकी में। जी ज़रूर सुना देता हूँ। वे मैया चोरी मिलया कर बदनाम ना हो जावे, इश्क बाजारी है, इश्क बाजारी है, नीलाम ना हो जावे, ओ ढोला चोरी मिलया कर बदनाम ना हो जावे। क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीए किया हुआ है। ग्रेजुएशन किया हुआ है? और जॉब कहाँ कर रहे हो? मैं जॉब करता हूँ इंडस्ट्री एरिया में, वो कॉस्मेटिक्स का वेयर हाउस है वहाँ पे। कॉस्मेटिक वेयर हाउस का दिन में कितना कमा लेते हो? दिन का नहीं होता, वो मंथली होता है, 75,000 के राउंड अबाउट सैलरी है। सैलरी भी तुम्हारी हैंडसम अमाउंट है। कौन सी पोस्ट पे हो? मैं सुपरवाइजर हूँ वहाँ का। लव स्टोरी का बताएं। लव स्टोरी का ये है कि मेरी सोशल मीडिया पे इंस्टा पे बात हुई थी, तो बस ऐसा फ्रेंडली बात होते होते। किससे बात हुई, कहाँ की है वो लड़की, क्या करती है, कब उससे शादी कर रहे हो, क्या, मुझे पूरी डिटेल बतानी है। मेरी भी उससे फ्रेंडशिप हुई थी, कोई 3 साल हो गए, तो 3 साल से हमारा बस एक ही बिगेस्ट रीज़न जो चल रही है ना, वो ये है कि पाकिस्तान की और इंडिया, वो लड़की इंडिया की चंडीगढ़ की है, तो हम एक नहीं हो सकते। किसकी 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 कहाँ की है? वो चंडीगढ़ की है लड़की। पाकिस्तान में लड़कियाँ नहीं मिली थी तुम्हें जो तुमने वो चौथे महल चंडीगढ़ जाके अपनी लव स्टोरी का आगाज़ कर दिया? देखिए मेरी सोशल मीडिया पे इंस्टा पे बात हुई थी, तो उनकी तरफ से था कि मैं आपको पसंद करती हूँ, तो फिर ऐसे मैंने उसे समझाया कि मैंने पूछा कि आप कहाँ से, किस चीज़ से पसंद करती है, कैसे पसंद करती है, उसके पीछे की पूरी हमें स्टोरी तो बताओ कि किस क्या ऐसी चीज़ उसको क्लिक की जो उसे तुम पसंद आ गए, वो भी पाकिस्तान में। मैं से मतलब व्लॉग करता था सिंगिंग के, तो इस वजह से जो है ना उसने मुझे मेरी वीडियोस को लाइक करती थी, शेयर करती थी, तो फिर मैं एकदम उसने मुझे मैसेज किया कि मैं आपको पसंद करती हूँ, तो जो है ना मैंने फिर उससे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो फिर उसने मुझे बताया कि मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो फिर मैंने उसे समझाया कि देखो हमारे पाकिस्तान के और इंडिया के मामला जो है ना ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं, तो हम ऐसे एक दूसरे को, मैं नहीं चाहता कि कल को बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि हम एक दूसरे के बिना रह ना सकें, तो फिर मैंने काफ़ी समझाया उसे, लेकिन उसकी तरफ से यही जवाब था कि मैं आपको पसंद करती हूँ और मैं इंशाल्लाह जो है ना मैं आपसे, मैंने आपको पा के रहना है। इसका कोई नाम भी है? जी बिल्कुल, उसका नाम है सिमरन राज। दिल वाले दुल्हनिया ले जाए कि सिमरन आ गई, ये राज है वो सिमरन है ना। जी बिल्कुल, यही समझ लें कि जब दिल से मोहब्बत की जाती है ना, तो फिर वो फिल्मी सीन से भी बढ़कर होती है। अभी तक उसने बॉर्डर क्रॉस की है कि अभी तक वहीं पे है? जी बिल्कुल, अभी तक अगर देखा जाए मोहब्बत को, तो वो फिर बॉर्डर क्रॉस करने से भी बहुत ज़्यादा हद आगे बढ़ गई है, तो लेकिन मैंने अभी ख़ुद को और उसे भी मैंने रोका हुआ है कि ऐसे मतलब हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से कि हमें कोई हमारे घर वालों को परेशानी हो। लोगों ने इतने बोल्ड स्टेप उठाए हैं, अंजू नाम की लड़की इधर आ गई, यहाँ की एक लड़की उठ के वहाँ चली गई, अगर वो भी आ जाएगी अब ये ना वो सलमान खान की तरह आ जाए तारों के नीचे से। जी बस अल्लाह ताला से दुआ तो ये है कि अगर वो मेरी लाइफ में आए तो वो एक रिस्पेक्टेबल तरीके से आए कि जो है ना उस पर कोई उंगली ना उठा सके। कैसी दिखती है? देखें अगर खूबसूरती को देखा जाए ना, तो वो तो अल्लाह ताला ने सब इंसानों को बहुत खूबसूरत बनाया है, कोई इंसान भी बुरा नहीं है, तो अगर मेरे लिए तो वो आपसे भी बढ़कर खूबसूरत है। तुम्हारे लिए बहुत मुझसे भी बढ़कर खूबसूरत है, वैसे अच्छी बात है। उसकी सूरत पे जाते हो या उसकी सीरत तुमने देखी है? जी उसकी सीरत भी अच्छी है और उसकी सूरत भी अच्छी है। घर वालों का पता है इस बारे में? जी अभी तक घर वालों को नहीं पता, लेकिन
पता चल जाएगा बहुत जल्द। उसके घर वालों को पता? जी उसके घर वालों को, उसकी अम्मा को पता है बस। अम्मा फुल सपोर्ट में? जी अम्मा तो यही कहती है कि बेटा जो आपकी पसंद है हमारी तो वही पसंद है। मिलने की तड़प कितनी है? मिलने की तड़प आपको पता ही है कि जब इंसान पास होता है ना तो फिर वो मिलने की तड़प बहुत कम होती है, जब दूर होता है ना तो फिर मिलने की तड़प बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अपकमिंग थर्ड लव स्टोरी ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तानी मैन एंड वुमेन, लेट्स सी कि अब ये दोनों क्या करते हैं, या ये दूसरा कपल बनेगा अंजू वाला, या फिर वो लड़की इधर आके अपने आप को मुसलमान करके अपना नाम चेंज करेगी, या फिर वहाँ पे रहते हुए इसको बुला के इसका नाम चेंज कराएगी, या पता नहीं क्या कराएगी, है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम मेरे मुझसे उसकी बात हुई है तो वो कहती है कि अगर हम एक होते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपके मज़हब को ज्वाइन करूँगी, मैं आपको जो मुस्लिम तो एक आपका जो मज़हब है मैं उसी मज़हब में रहकर आपसे जो है ना आपके साथ लाइफ स्पेंड करूँगी। जो VIP सॉन्ग आपने इस सिमरन राज के लिए लिखा है वो हमें गा के तो सुना। मुंडा मैं लाहौरी ते ओ कुड़ी चंडीगढ़ दी, मुंडा मैं लाहौरी ते ओ कुड़ी चंडीगढ़ दी, बिना सोचे समझे इश्क पयो कर दी, कौन समझावे ओनू समझ ना आवे ओनू, कौन समझावे ओनू समझ ना आवे ओनू, दिल उत्ते वार पयो कर दी, मुंडा मैं लाहौरी ते ओ कुड़ी चंडीगढ़ दी, बिना सोचे समझे इश्क पयो कर दी। क्या बात है, लाहौर का लड़का चंडीगढ़ की लड़की, और ऊपर से उसने गाना भी ऐसे किया कि उसको समझा समझाई में थक गया था कि भाई मुझे साथ मत दिल लगाओ, तो फिर भी उसने दिल लगा लिया। जी बिल्कुल ऐसे ही, मैंने उसे पहले समझाता रहा हूँ लेकिन जब बात हद से बढ़ गई फिर फील होता है कि जब एक इंसान हर मोड़ पे हर दफ़ा प्यार दे रहा है तो फिर जहरी सी बात है इंसान को मोहब्बत हो ही जाती है। तो बस अब तो मुझे, मेरे लिए भी मेरा पहला और आखिरी प्यार वही है, मेरा सब कुछ वही है। बुला लो फिर उसको, उससे कहो आ जाओ भाई तारों के नीचे से देख लूँगा मैं। जी इंशाल्लाह ज़रूर, अगर अल्लाह ताला को कबूल हुआ तो ज़रूर जो है ना ज़रूर हम एक होंगे। 100 बार जन्म लूँ तो भी तू ही हर दम हर दफा चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या 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 चाहिए।